بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की मदद आ जाए और मक्का फतह हो जाए तो आप देखेंगे कि लोग जौख दर जौख इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और जब लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो समझो कि आप जिस काम के लिए तशरीफ़ लाए थे वो काम मुकम्मल हो रहा है। चुनाचे आप अल्लाह के हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान फरमाते रहिए, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला है। मोहतरम बुजुर्गो, आपको बताया गया था कि हुदैबिया के मकाम पर सुलह इस बात पर हुई थी कि अरब के कबीलों में से जो कबीला मक्के वालों के साथ दोस्ती करता है तो कर सकता है, और जो कबीला मदीने वालों के साथ दोस्ती करना चाहे तो वह ऐसा भी कर सकता है। चुनाचे बनू बकर के लोगों ने मक्के वालों के साथ जो है मुआहिदा कर लिया, और बनू खुदा के लोगों ने मदीने वालों से यानी रसूलुल्लाह सल्लम से मुआहिदा कर लिया। तो बनू खुदा के लोग रसूलुल्लाह सल्लम के आदमी बन गए, लेकिन बनू खुदा और बनू बकर में कदीम ज़माने से जंग चल रही थी, और जब सुलह हो गई और अमन हो गया तो बनू बकर के लोगों ने अपनी पुरानी अदावत निकालने के लिए बनू खुदा पर हमला कर दिया और उनके बहुत से आदमियों को कत्ल कर दिया, और उनके कुछ लोग भागकर मक्का मुकर्रमा आए और काबतुल्ला में दाखिल हुए और गिलाफ़ काबा पकड़ लिए, तो भी बनू बकर के लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। और ये भी मालूम हुआ कि कुरैश के लोगों ने बनू बकर की हथियारों से मदद की, आदमियों से मदद की, और कुछ बनू खुदा के लोग जो बचे हुए थे, जो लुटे पिटे हुए थे, वो लोग रोते धोते प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरियाद की कि अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ मुआहिदा किए हुए हैं और हम आपकी पनाह में हैं, लेकिन कुरैश बनू बकर जो कुरैश के साथ मिले हुए थे उन्होंने हमको कत्ल किया और हमारे आदमियों को हरम में कत्ल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ा दुख हुआ। आपने फरमाया, अच्छी बात है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई इंतज़ाम फरमाएगा। और जब बनू खुदा के लोग मदीना मुनव्वर आ गए तो कुरैश के लोग डर गए कि अब बनू खुदा की बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जो है बड़ी जंग ना कर दें, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए और फिर मुआहिदे की तजदीद के लिए कि जो मुआहिदा हुआ था अब टूट गया है, क्योंकि आपके कबीले वालों को, आपके मुआहिदीन को हमने कत्ल किया है, अब दूसरा नए से मुआहिदा करने के लिए मक्के वालों ने, कुरैश ने हज़रत अबू सुफियान को मक्का रवाना किया। हज़रत अबू सुफियान मक्का आए, अबू मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से पहले अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मकान पर गए, और जब वो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बाप को देखी तो उन्होंने फौरन जो बिस्तर वहाँ लगा हुआ था, बिछा हुआ था, उसको लपेट दिया और एक दूसरा बिस्तर अपने बाप को बैठने के लिए बिछा दिया। तो अबू सुफियान ने पूछा, अरे बेटी उम्मे हबीबा, इस बिस्तर को तुमने क्यों लपेट दिया? क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं था? तो उम्मे हबीबा ने क्या जवाब दिया, क्या ईमानदार का जवाब, ईमान
ईमान से भरा हुआ जवाब दिया। जरा आप सुनिए, हज़रत उम्मे हबीबा ने फरमाया कि ये प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का बिस्तर है और तुम नजिस हो, काफिर हो। और नजिस आदमी वो मुबारक पाकिजा बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने वो बिस्तर को उठा दिया। तो अबू सुफियान गुस्से में आ गए और कहा कि अरे उम्मे हबीबा, तुम जो है बहुत, तुम में शर बहुत फैल गया है। चुनाचे वो वहाँ से निकल कर रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में आए। रसूलुल्लाह सल्लम से बात किया तो आपने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। तो अबू सुफियान परेशान हो गए, वो जाकर हज़रत अबू बकर से बोले कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं कर रहे, ज़रा तुम सिफारिश करो। कहा कि आप, तुम्हारे बारे में कोई सिफारिश हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो उमर बिन ख़त्ताब के पास गए, उनसे भी कहा कि ज़रा आप सिफारिश कर दीजिए। तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि तुम जैसे जो है काफिरों के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब के पास भी गए, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने उनसे नरमी से गुफ्तगू किया और समझाया कि तुम जाओ रसूलुल्लाह सल्लम से जो है माफ़ी तलब करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो है ईमान लाने की कोशिश करो तो तुमको अमान मिल सकते हैं। लेकिन अबू सुफियान जो है रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लम बात नहीं किए तो वापस चले गए। कुरैश ने पूछा कि अबू सुफियान, हम जिस काम के लिए आपको भेजे थे, आप इस सफारत में कामयाब हुए नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लम से बात किया, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और दूसरे जो है हमारे कुरैशी भाइयों से बात किया तो उन्होंने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और वो ये कहते रहे कि हमारा जो मुआहदा था वो टूट गया है। तो इस पर कुरैश परेशान हो गए। खैर, फिर भी कुरैश इत्मीनान से थे, चलो कोई बात नहीं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हमारे लिए जंग का सामान तैयार करो। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंग का सामान तैयार किया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाए, बोले कि यह सामान किस लिए तैयार हो रहा है? तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने जो है सामान तैयार करने का हुक्म दिया है। तो कहा किधर जंग करना है? तो कहा वो मुझे मालूम नहीं। आप रसूलुल्लाह सल्लम से पूछिए, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी वफादार थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस बात को रसूलुल्लाह सल्लम नहीं बताए वो अपने बाप को भी नहीं बताए। बोले कि आप सिर्फ इतना बोले रसूलुल्लाह सल्लम के सामान तैयार करो, मगर किधर जाना है ये मुझे मालूम नहीं, आप जो है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिला दें। खैर, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जंग की तैयारी का हुक्म दिया और इस ये राज को छुपा कर रखा कि ये जंग किसके लिए हो रही है, किसके साथ हो रही है। लेकिन चंद मखसूस सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लम ने बताया कि मक्के वालों ने हमारा मुआहिदा तोड़ दिया है और हमारे आदमियों को कत्ल किया है और आइन हरम में काबतुल्ला में कत्ल किया है, इसलिए मक्के पर हमला करना है। तो ये बात चंद मखसूस लोगों को मालूम हुई थी। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपने हज़रत अली को और हज़रत ज़ुबैर को और हज़रत मिक़दाद को बुला कर कहा कि तुम तेज़ रफ्तार घोड़े लेकर जाओ और एक 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 मुकाम में एक बुढ़िया मिलेगी, उसके पास एक चीटी है, लेकर आओ। ये तीनों तेज़ रफ्तारी के साथ घोड़े दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचे तो एक बुढ़िया मिली और बुढ़िया से कहा कि तुम्हारे पास जो ख़त है वो दे दो। उसने कहा मेरे पास कोई ख़त नहीं है। उसके सामान की तलाश ली गई तो ख़त ना मिला। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने कहा या तो तुम ख़त दो या नहीं तो तुमको बरहना कर देंगे। तो वो औरत घबरा गई, कहा कि तुम मुंह इधर दूसरी तरफ मुंह फेर लो। और जब वो मुंह फेर लिए तो उस औरत ने अपने चोंडे से अपने चोटी से वो चिट्ठी निकाल कर इनको दे दी। ये तीनों लाए रसूलुल्लाह सल्लम के सामने, वो चिट्ठी दिए तो आपने चिट्ठी में लिखा हुआ था
कि रसूलुल्लाह सल्लम मक्का मुकर्रमा पर हमला करने वाले और लिखने वाले हातिब बिन अबी बलता थे, ये बद्री साहबी थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गुस्से में आ गए और बोले कि अल्लाह के रसूल, इसने गद्दारी की है, हुक्म दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि आए उमर, हातिब बिन अबी बलता बद्री हैं, अल्लाह ताला बद्रियों पर रहम फरमाया है, उन पर नजर करम किया है और उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है, इसलिए हातिब बिन अबी बलता जो है इस गुनाह से बरी हैं, उनको छोड़ दो। तो हातिब बिन अबी बलता ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं मुनाफिक नहीं हुआ, मैं काफिर नहीं हुआ, नहीं मुर्तद नहीं हुआ, मेरे कोई मक्के में मेरी पहचान का कोई आदमी नहीं था, मेरे ख़ानदान वालों को कोई हिफाजत करने वाला नहीं था, तो मैंने जो है मेरे ख़ानदान वालों की हिफाजत करने के लिए और मदीने मक्के वालों में कुछ हमदर्दी पैदा होने के लिए और हमारे ख़ानदान की हिफाजत करने के ख्याल से ये ख़त लिखा। रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको माफ़ कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लम 10,000 का लश्कर लेकर जो है मक्के की तरफ रवाना हुए, मर्रज़-ज़ोहरान पर पहुँचे और तो तमाम फौज को पहाड़ियों पर फैला दिया और हुक्म दिया कि रात में हर आदमी जो है चूल्हा जलाए, और तमाम पहाड़ियों पर चूल्हे जले हुए और आग भड़क रही है मक्के के अतराफ के पहाड़ियों पर। मक्के के लोग हैरान, अबू सुफियान तहकीक करने के लिए वो बाहर आए थे, उन्होंने देखा कि ऐसी आग तो कभी हमने नहीं देखी, ये कोई छोटी फौज के आदमियों की आग नहीं है, ये कोई बड़ी फौज की आग है। इसी दरमियान में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान के पास आए और कहा कि अबू सुफियान, तुम आओ मेरे साथ मेरे खच्चर पर बैठ जाओ। तो वो अपने खच्चर पर बिठा कर रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में ले गए और कहा, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान अपने किए पर शर्मिंदा हैं, अब तक जो इस्लाम की मुखालिफत किए हैं उससे तौबा करते हैं, अल्लाह के रसूल आप उनको माफ़ कर दीजिए और आप पनाह दीजिए। तो और वह अब मुसलमान हो रहे हैं, सच्चे दिल के साथ मैं इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको माफ़ कर दिया। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान बड़े आदमी हैं, ज़रा फ़ख्र वाले आदमी हैं, उनके लिए कोई एज़ाज़ कोई इज़्ज़त का एक मकाम दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा वो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लम जब सुबह को मक्के में दाखिल हुए फ़ौज के साथ, तो आपने ऐलान कराया जो अपने घर को बंद कर लेगा उसको कत्ल नहीं किया जाए, घर का दरवाज़ा, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, जो हथियार डाल देगा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, जो हरम में दाखिल होगा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको कत्ल नहीं किया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मक्के शरीफ में दाखिल हुए तो आपका सर झुका हुआ था और अल्लाह ताला की तारीफ़ फरमा रहे थे कि अल्लाह तो आज हमको इतनी बड़ी फतह इनायत फरमाया है, तेरा बहुत शुक्रिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास आए और काबतुल्लाह का ऊँटनी पर बैठकर काबतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर उसके बाद उस्मान बिन तलहा को बुलाए और उनसे काबतुल्लाह की चाबी लेकर काबतुल्लाह को खोला और काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी, आप अपनी छड़ी से वो बुतों को गिरा देते थे और वो बुतों को बाहर निकाल दिया गया, काबतुल्लाह को पाक किया गया, आप काबतुल्लाह में 2 रकात नमाज पढ़े शुक्राने की और उसके बाद काबतुल्लाह के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। काबतुल्लाह की चौखट 6 फीट ऊंची थी और 6 फीट ऊंची चौखट पर अपने दरवाजे पर खड़े होकर आप नज़र दौड़ाते हैं तो सामने वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने आपको मक्की ज़िंदगी में आपके जान के दुश्मनी आपके जान के साथ दुश्मनी की थी और आपके कत्ल के आर्जुमंद थे और आपके कत्ल के हरीस थे और आपके सहाबा इकराम को तकलीफ़ें देने में ताक थे। ऐसे तमाम मुजरिम हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मकुरेश, आज तुम्हारा गुरूर टूट गया है, आज तुम्हारे तमाम बड़ाइयों को तकब्बुराना वाकया बातों को और फिर तकब्बुर की चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ, सिवाय ये कि बनी हाशिम के पास आब जमजम पिलाने की जिम्मेदारी रहेगी,
सिवाय ये कि उस्मान बिन तलहा के पास काबतुल्लाह की चाबी होगी, बाकी कोई किसी किस्म की क्या ओहदा किसी को नहीं दिया जाएगा। अय कुरैशियो, तुमने इतने सालों तक इस्लाम से दुश्मनी की, बताओ आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो कुरैश के लोगों ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप करीम हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्ग भाई के बेटे हैं, करीम इब्ने करीम, आप ये करीम के बेटे करीम हैं, आप मेहरबान हैं, आप हमको माफ़ कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हबू, जाओ, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज तुम पर किसी किस्म की पकड़ नहीं है, आज तुम पर किसी किस्म का जो है अज़ाब नहीं है, आज तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा नहीं दी जाएगी, आज तुम सब आज़ाद हो। मैं वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने वाले भाइयों को से कहा था कि अरे मेरे भाइयों, मैं तुम सबको माफ़ कर दिया, वैसे ही आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। तो उस वक्त कुरैश के बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, औरतें आए, औरतें भी मुसलमान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नए मुसलमान होने वालों से बैत लेते जाते थे और औरतें भी बैत करने के लिए आईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बैत लेते गए और सबसे सबकी बैतें लिए और हज़ारों लोग उस दिन मुसलमान हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत ऐसी थी, ऐसे प्यारे रसूल मोहम्मद। तो वो मक्का फतह हो गया और मक्का फतह होने के बाद लोगों ने देखा कि लोग जौख दर जौख, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम की आवाज़ चारों तरफ फैल गई है और सारे अरब को मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ना होते तो काबतुल्लाह पर उनका कब्ज़ा नहीं होता। काबतुल्लाह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़ा किए हैं और वो फतेह हैं, तो बेशक अल्लाह के नबी हैं। तो सारे लोगों के दिलों में इस्लाम फैल गया और वफूद इस्लाम लेकर बड़े बड़े डेलीगेट्स वफूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते गए और मुसलमान होते गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो माफ़ी है इसके ताल्लुक से आप सुनिए। तो कहते हैं, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को उबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को उबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को अबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के दुश्मन को हयात जाविदा दे दी, सलाम उस पर के दुश्मन को हयात जाविदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर के जिसने के अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर क्या सरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने, सलाम उस पर के जिसने
जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा वो दिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया उसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को खुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, दरूद उस पर के जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है, दरूद उस पर के जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है, दरूद उस पर के जिसके, दरूद उस पर के जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है, दरूद उस पर के जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है, दरूद उस पर के जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है, दरूद उस पर के जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है, तफसीर कुरान है, मोहम्मद वाली मोहम्मद वबारिक वसलिम, अस्सलाम वालेकुम।